तो गाइस यार पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये टनल स्विमिंग पूल बनाया था। अभी ये फुस हो चुका है क्योंकि हम अभी इसका यूज नहीं कर रहे, बस कुछ लोग हैं जो कि अंदर नहा रहे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप बताओ इसके अंदर करना क्या है, तो काफी लोगों ने ये सजेस्ट किया, ये कमेंट किया कि भाई आप क्या करो, इसके अंदर पानी तो भरा हुआ है ये, इसके अंदर आप लिक्विड नाइट्रोजन डाल दो और फिर देखो कि क्या होता है टनल के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन, और वो भी तब जब टनल के अंदर एक स्विमिंग पूल है और उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन। तो चलो टनल को फिर से फुलाते हैं, फुलाओ टनल को, फिर से फुलाते हैं, चलो फुला दो टनल को। भाई आप देख सकते हैं कि हमारा टनल स्विमिंग पूल रेडी हो रहा है, ये फूलता जा रहा है। और जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको बता दूं ये एक स्विमिंग पूल है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है। जी हां गाइस, अभी ये फूल जाए फिर मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा तो भाई, जिन भी लोगों ने पिछली वीडियो में टनल स्विमिंग पूल नहीं देखा था, अभी देखो वो नारे बंदे हो, देखो है ना एक नंबर खूबसूरत चीज। तो चलो अब इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम डालते हैं, ले मोटे आ जा। और साथ ही साथ गाइस ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये अंदर से पूरी तरीके से पैक है और आपको पता है कि ये नाइट्रोजन है बहुत ज्यादा गैस जाती है, तो हो सकता है कि अंदर हमें सांस लेने में दिक्कत हो, अगर दिक्कत आएगी तो हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्विमिंग पूल का एक नियम है, अंदर कोई भी जाएगा तो पैर धो के जाएगा। एंट्री डन, एंट्री डन, कैमरा मैन ने पैर धो लिए हैं, चलो एंट्री डन, एंट्री डन, गिर मत जाना आराम से, बस यहीं पे। और गाइस इससे क्या करते हैं, उस साइड से डालते हैं, साइड से ढोलते है ना, या इस साइड से है ना गाइस, बिल्कुल बीचों बीच में, लेकिन बीच के अंदर कोई राह किसी के लिक्विड नाइट्रोजन टच हो गई तो भाई ठहर जाएगा, क्योंकि आपको पता है लिक्विड नाइट्रोजन कितनी ज्यादा ठंडी होती है। ला बाल्टी ला, किसी को भी अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो बाहर निकल जाना, मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। और गाइस तो चलो अब शुरू करते हैं, आप देख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन कितनी ठंडी है, चलो इसके अंदर डालते हैं बाल्टी के अंदर। और डालते हैं, अभी और डालते हैं। ऑलराइट गाइस, ओए किसी के भी लगे तो भाग जाना, मेरे को मत बोलना। ऑलराइट 3 2 एंड रुको, वेट 1। ओह माय गॉड, ओ तेरी गाइस, ओह ओह माय गॉड गाइस, दिस इज इनसेन यार, देखो ओ बेस की टांग यार, मजा आ गया गाइस, देखो बादल कहीं पे जा नहीं रहे, सांस आ रही है, सांस ठंडी ठंडी, ओ भाई सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही गाइस, कुछ दिख ही नहीं रहा है, बाहर आ जाओ, कुछ दिख ही नहीं रहा गाइस, पूरा अंदर नाइट्रोजन भर गई है, देखो ओए जल्दी जिसको सांस नहीं आ रही बाहर आ जाओ, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, ओए सांस आ रही है क्या? ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गई, हालांकि हमने कूलर चला रखा है। ओ भाई यार आपके आइडियाज यार हमसे भी अच्छे होते हैं यार, गाइस दम घुट रहे हैं। ओ बीबी देखो गाइस पीछे, उधर देखो यार बिल्कुल ऐसा बादल बने हुए ही है, ला कैमरा से एक बार मैं दिखा के आता हूं, ये प्लेट हो गई, सांस नहीं आ रही इनको गाइस, अभी देखो ओ सांस नहीं आ रही, बस गाइस देखो नाइट्रोजन तैर रही है अभी भी, ओ मैं उधर जाता हूँ, सांस नहीं आ रही,
है ना दम घुटा वो भी नजारा कैसा था उधर से फेंका ना तब एकदम शानदार से लग रहा था बादलों के ऊपर और नीचे स्विमिंग पूल गाइस मजा आ गया यार। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा ऑक्सीजन का सिस्टम है। ये मेरा फोन पड़ा हुआ है इसकी टांग गिर गया गिर गया। पूरी ढोल दे पूरी सीधी कर दे। Oh my God, guys, ढोल दे पूरी उन्ना दे पूरे। अरे दादू, guys थोड़ी सी नाइट्रोजन और बची है, उसे भी डालते हैं। धीरे धीरे डालियो, हाँ डाल, डाल। चिल बस सांस नहीं आती, दम घुट रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो गाइस यार ये होता है अगर हम टनल के अंदर, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि अंदर से घर में नीचे से पानी है ठंडा और उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं तो मजा आ जाता है। लेकिन आप ट्राई मत करना गाइस, सांस लेने में दिक्कत होती है, सफोकेशन होती है। एक पल को तो ऐसा आ गया था, मैंने कहा यार बस बाहर निकलो इसको फाड़ के, लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद में वो कूलर जो चल रहा है ना गाइस वो क्या है रेगुलरली फ्रेश हवा फेंक रहा है, उस वजह से इतनी दिक्कत नहीं हुई। बाकी यकीनन मजा आ गया। हे वीरेंद्र, ये इसको सांस लेने में दिक्कत है, उस छेद के अंदर से सब हवा ले रहा था, वो छेद है जिसके अंदर से। आ जाओ पूरे बैठ के आराम से सांस लेने का मजा ही आ रहा। गोवा वाले बीच से भी ज्यादा मजा यहाँ पे, क्योंकि घर पास में है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और फ्री के अंदर, कोई टिकट विकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं सिर्फ 4 लाख लाइक्स, मुझे पता है कि आप कर दोगे। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये वाला देखो, ये वाला क्या बात है गाइस, ये देखो मस्त है यार। ये लिक्विड नाइट्रोजन है जो हल्की हल्की सी बूंदे बची हुई है, थोड़ी सी और डालते फिर देखना कैसी बनती है, देखना। ओह ये देखो गाइस, ये देखो क्या बात है, ये देखो। ओह अमेजिंग।